हेलो, अब आएगी शायद आवाज़। एक बार कंफर्म कर दो, आवाज़ आ रही है अब? हेलो, अब आएगी शायद आवाज़। चलो भाई, आ गई है आवाज वापस। तो एक बार फटाफट से बुला लो अब सबको, लाइक शेयर कर दो। मैं वही बता रहा था कि कमेंट्स जो हैं फोन में बैटरी बहुत कम है, ठीक है, इतनी है कि बंद हो जाएगा अगर मैंने 10 से 15 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली यूज कर लिया तो। इसीलिए मैं यूज नहीं कर रहा, तो कमेंट्स वहां स्क्रीन पे देखने के लिए मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, जय हिंद सबको, गुड इवनिंग। तो आज अपना टैक्सोनॉमी का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर यू गाइज रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ इमेजेस जो हैं वो मंगवा लेते हैं। एक सेकेंड भाई, एक मार्च। चलो आ गए हैं आपकी इमेजेस। बस फ्लाइट लैंड करने वाली है। चलो आ गई भाई आपकी इमेजेस, लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट क्लास में आपका प्लांट किंगडम की बात की थी, तो उसके अंदर हमने देखा था कौन कौन से फाइलम आते हैं आपके, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की, कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उन सब की बात करेंगे। कौन कौन से फाइलम है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। चलो ठीक है, वैसे तो आप इन डेप्थ में पढ़ने को कितना भी डेप्थ में पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, आपका बायोलॉजी का लेक्चर है। बायोलॉजी का लेक्चर नंबर कितना है भाई? 26th, 26th और 25th। ट्वेंटी सिक्स ओके। तो आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम, चलो लेट्स स्टार्ट। तो भाई एनिमल किंगडम, ये हमने लास्ट प्लांट किंगडम किया था, आज हम एनिमल किंगडम करेंगे। तो सबसे पहला फाइलम है आपका एनिमल किंगडम के अंदर, आप फर्दर क्लासिफिकेशन करोगे तो फाइलम आ जाते हैं। तो सबसे पहला फाइलम है आपका फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है, जिसको स्पंजिस भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आपका क्या क्या आता है? तो सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद करो प्लांट किंगडम मैंने बताया पढ़ाया था, तो
तो वहां पे सबसे बेसिक थे थैलोफाइटा, फिर आए ब्रायोफाइटा, फिर आए आपके टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। यही यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। फाइलम वन में पोरिफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आगे डिवीजन होते चले जाएगा, ठीक है। क्या सुननी है भाई तुम्हारी? इन्फर्नो मलिक, कौन कौन से चैप्टर्स बचे हैं? एमसीक्यू जल्दी होंगे भाई, आई थिंक आपका ऑलमोस्ट सिलेबस हो ही गया है। एक दो से तीन क्लास मुश्किल से आपकी बची होंगी। लाओ फिर भी मैं चेक कर देता हूँ। डिजीज हो गया, सेल हो गया, टिश्यूज हो गया। एक तो सेल डिवीजन बाकी है, ठीक है। फूड, फूड चेन किया है हमने, एक बार वो कंफर्म कर देना, फूड सिस्टम वाला, वरना उसको मिला के दो। हॉर्मोन्स, रिप्रोडक्शन, ओके। मतलब इस वीक में आपका सिलेबस हो जाएगा, आज मंडे है ना, इस वीक तक आपका सिलेबस हो जाएगा, पहले भी हो सकता है, इस वीक में हो जाएगा। तीन से चार क्लासेस, चार क्लासेस में आपका ऑलमोस्ट चीजें हो जाएंगी, देख लेंगे। तो यहाँ पे भाई आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन मोटाइल एनिमल्स हैं, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इनकी बॉडी पे होल ऑन द बॉडी, ठीक है, लेड टू कैनाल सिस्टम फॉर सर्कुलर सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड फूड। तो इनके पास होल होते हैं बॉडी पे, ओपनिंग होती है जहां से ये फूड का वाटर का सर्कुलेशन करते हैं। आउटसाइड एक हार्ड लेयर होती है जिसे स्केलेटन कहते हैं, इसके एग्जाम्पल में साइकन, स्पोंजिला, ठीक है, यूप्लेक्टेलिया। तो यहाँ पे आप साइकन और स्पोंजिला याद रख सकते हैं, पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। साइकन इंपॉर्टेंट, साइकन याद रख लेंगे सफिशियंट है। साइकन आपका एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा, जो सबसे बेसिक है एनिमल किंगडम का, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट फाइलम आपके पास आती है भाई कोलेंट्रेटा। कोलेंट्रेटा फाइलम के अंदर अब सेलुलर लेवल से थोड़ा ऊपर उठ गए तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। कोई कॉलम नहीं होता, कॉलम का मतलब होता है कोई कैविटी नहीं है इनके अंदर, जो ऑर्गन के बीच में खाली स्पेस होता है, कैविटी होती है, जैसे हार्ट के अंदर है, स्टमक के अंदर है, फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। तो रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। तो जब आपका एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब होता है एक लिविंग, तो उसके पास दो जर्म लेयर है कि तम तीन जर्म लेयर है, दो हैं तो डाइप्लोब्लास्टिक, तीन है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे दो लेयर होती है तो डाइप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। होलो गट होता है, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोलेंट्रेटा का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हाइड्रा, सी एनीमोन, उसके अलावा जेलीफिश है आपका, ठीक है, कोरल्स। तो यहाँ पे ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये एग्जाम्पल्स आपके याद रखने के लिए हैं। तो यहाँ पे आप हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल्स, ठीक है, क्लियर है भाई मामला? आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है? तो एक बार लाइक शेयर हो जाए और बुला लो सबको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि क्लास ज्यादा लोगों तक पहुंचे और एनरिचिंग। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम प्लेटी हेलमिंस। तो प्लेटी हेलमिंस में भाई इनको हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसमें इस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ज्यादा थिक नहीं होते, बस फ्लैट शेप के होते हैं, ठीक है। चल उसके बाद भाई कोई कॉलम नहीं होता, नो कॉलम प्रेजेंट, बायलेटरल सिमेट्री होते, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी तीन जर्म लेयर। ये फ्री लिविंग भी रहते हैं और एज अ पैरासाइट भी रहते हैं प्लेटी हेलमिंस। डाइजेस्टिव कैविटी इनकी एक ओपनिंग होती है फॉर इंजेशन एंड इजेशन, यानी इनके पास एक सिंगल ओपनिंग है, यानी जहां से ये खाएंगे वहां से, वहीं से निकालेंगे, ठीक, जहां से खाया था वहीं से निकाल दिया। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मुंह से, समझ गए हो गया क्या, ठीक है। तो
इनका काम क्या है, इनके पास सिंगल ओपनिंग होती है, वहीं से इंजेशन होता है और वहीं से इजेशन होता है। कौन सा मॉक चल रहा है भाई? भाई एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आपका इसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा लीवर फ्लूक, टेप वॉर्म, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, प्लेनेरिया लीवर फ्लूक। ठीक है, आवाज साफ नहीं है, क्या दिक्कत है भाई आवाज में बताओ, क्या दिक्कत है आवाज में? लो भाई हम तो इसको बंद कर देंगे। अब कुछ बेटर है आवाज में, नॉइस कम हुई कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट फाइलम अपने पास है मोलस्का। मोलस्का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इनके पास कॉलम होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, कई बार शेल से कवर्ड होती है जैसे काइटन की है। उसके बाद नॉन सेगमेंटेड होते हैं, कोई अपेंडेजेस नहीं होते जैसे इंसेक्ट के पास होते हैं, मस्कुलर फुट होते हैं मूवमेंट के लिए, सेल प्रेजेंट होती है, किडनी लाइक ऑर्गन्स तक अपग्रेड हो चुका होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद भाई आपका एग्जाम्पल में ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा ये पिला, ठीक है, ये आपने देखा होगा, हमारे यहाँ इसे शंख कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, हम छोटे थे जब शंख या फिर घोंगे, घोंगे टाइप के ही होते थे वैसे ये, ठीक है, तो इन्हें हम शंख बोलते थे। तो आपने देखे होंगे ये रियल लाइफ में, तो ये है इनका पिल्ला, इज इनका नाम, किसका पिल्ला? चलो अमन कुमार, जल्द ही हम उस पर काम कर रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट में, जैसे भी मैथ का आया था फुल लेंथ ऐसे ही। तो भाई एनेलिडा नेक्स्ट फाइलम है, एनेलिडा इसकी खास बात है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है। फटाफट से चैट में बता दो कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। ठीक है, थोड़ी देर में हम तो जान ही लेंगे, देखते हैं आपको अभी पता है या नहीं उस बारे में। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है कॉलम, कॉलम जो है वो प्रेजेंट होता है, बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं, एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन होता है, बट रहे होते हैं ऑर्गन अलग अलग उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थ्रोपोड आंसर आ भी चुका है। एग्जाम्पल में आपका अर्थवॉर्म लीच, अर्थवॉर्म मेन है, ठीक है, अर्थवॉर्म किस में आता है? एनेलिडा में आता है। ठीक है, ऑक्टोपस किस में आता है? मोलस्का में आता है। तो ऐसे आपको याद होने चाहिए, पूछ सकता है, और ये अगर पूछ लिया तो इट विल बी अ स्कोरिंग क्वेश्चन, क्योंकि सबसे नहीं होगा। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट फाइलम अपने पास है फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। 80% स्पीशीज जो एनिमल किंगडम की 80% स्पीशीज हैं वो आर्थ्रोपोडा में आती हैं। देख लो आप, 10 फाइलम है उनमें से 80% एक ही में आ रही हैं। ठीक है, तो आपका कितनी बड़ी फाइलम है ये, लार्जेस्ट फाइलम। तो भाई जनरली इनको इंसेक्ट्स भी बोलते हैं, कॉलम प्रेजेंट होती है, बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड होते हैं,
ठीक है, टफ एक्सोस्केलेटन होता है काइटिन का, जॉइंट अपेंडेजेस, ये इस टाइप का ये फीचर इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट्स के लिए, जॉइंट अपेंडेजेस। ठीक है, एग्जाम्पल्स में जैसे प्रॉन है, स्कॉर्पियो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, स्पाइडर। स्पाइडर इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाउस फ्लाई इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आर्थ्रोपोडा। चलो आगे देखो भाई, नेक्स्ट फाइलम है इसके पास, इसके बाद एक्नियोडर्मेटा। एक्नियोडर्मेटा तो इसके अंदर भाई स्पाइनी स्किन होती है, मरीन होते हैं, नो नोटोकॉर्ड, कोई नोटोकॉर्ड नहीं होती, कोलम प्रेजेंट होता है, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंडोस्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ये लोकोमोशन करते हैं, देखा होगा आपने कैसे स्टार फिश पानी फेंकते हुए आगे बढ़ती है, तो वाटर लोकोमोशन सिस्टम ये। तो एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आप याद रख सकते हो स्टार फिश, ठीक है, सी कुकुम्बर, स्टार फिश, ठीक है, तो एक्नियोडर्मेटा में आते हैं स्टार फिश। अगला देखो भाई, फाइलम प्रोटोकोर्डेटा। मरीन एनिमल्स होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, एक लॉन्ग रोड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है डेट रन्स अलोंग बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग नर्वस सिस्टम फ्रॉम द गट। ठीक है भाई, तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं ऐसे सच याद नहीं रखने फिर भी रखते हो तो हार्डमेनिया, ठीक है, एम्फियोक्सुस, जैसे भी है, नाम याद नहीं रखने भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोटोकॉल डेटा के। नेक्स्ट है नेमाटोडा, फाइलम नेमाटोडा। अच्छा क्या करें भाई, मुन्ना भैया आए हैं तो दोस्त। यहाँ पे भाई बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिपलो ब्लास्टिक, बॉडी सिलेंड्रिकल, शॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी एंड सूडो कोलम। फैमिलियर एज पैरासाइट वॉर्म्स कॉजिंग डिजीज, नेमाटोडा में जनरली वो आते हैं जो पैरासाइट और डिजीज कॉज करते हैं। वॉर्म्स कॉजिंग एलिफेंटियसिस, फिलेरियल वॉर्म्स जो होते हैं आपके, या वॉर्म्स इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में एस्केरिस, जिससे एस्केरियसिस होती है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, इससे भी डिजीज होती है। ठीक है भाई,
तो यहाँ पे नेमाटोडा, नेमाटोडा में आपके एस्कैरिस बुचेरिया, लास्ट फाइलम देखें, लास्ट फाइलम है भाई वर्टिब्रेटा। तो नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, 2, 3, 4 चैम्बर्ड के हार्ट हैं, ऑर्गन जैसे किडनी वगैरह ये बने हुए हैं, पेयर अपेंडेजेस होती हैं जिस दो टांग दो पैर है। एग्जाम्पल्स में ह्यूमन 4 चैम्बर, डर्ट फ्रॉग 3 चैम्बर, फिशेज 2 चैम्बर। वर्टिब्रेट्स को फर्दर 5 क्लासेस में बांटा गया है। फर्स्ट इज पीसेज, रेप्टाइल्स, ठीक है भाई, पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मेमेलिया। ये 5 जो है इनके फर्दर क्लासेस कह लो, तो इनके अंदर इनको डिवाइड किया जाता है, पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, क्लियर है भाई? ये 5 आपकी फर्दर क्लासेस हैं इसी फाइलम की। फाइलम क्लियर है भाई? बढ़े आगे। बताओ भाई, चलो तो हमने यहां पे बात की कि इसकी फर्दर क्लासेस होती है एनिमल किंगडम की, दिस वर्टिब्रेट्स को 5 कैटेगरी में डाला है, ये वर्टिब्रेटा है, ठीक है? तो वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स को बांटोगे तो ये आ जाएगा, तो भाई पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और ये 5 वर्टिब्रेट्स हैं। एक सेकंड रुकना भाई,
तो देखो भाई, देख लेते हैं। तो पीसीज में आपकी जनरली क्या होती हैं, जो फिशेज हैं वो आती हैं। जनरली फिशेज आती हैं जो मरीन होती हैं, एंड दे हैव टू चैम्बर्ड हेड। एम्फीबियंस तो इसके अंदर आते हैं जिनके पास ड्यूअल बिहेवियर। तो इसमें ड्यूअल नेचर के होते हैं ये, यानी पानी में भी रहते हैं जमीन पे भी। रेप्टाइल्स तो रेप्टाइल्स जो है ये नॉर्मली लैंड पे रहते हैं। थ्री चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स का। एयर्स में भाई आपके जितने भी बर्ड्स, मैमल्स में भाई आपके ह्यूमंस वगैरह सब आते हैं। ठीक है। हाँ भाई विनय, टेक्सोनॉमी की लास्ट क्लास है। क्रोकोडाइल चार चैम्बर हर्ट वाला होता है। एव्स और मैमल्स के पास चार चैम्बर हर्ट होते हैं। ठीक है। देखो तो यहाँ पे भाई बर्ड्स और मतलब जितने भी मैमल्स हैं, एव्स हैं, इनके पास कितने चैम्बर हर्ट होता है? चार चैम्बर हर्ट होता है। ठीक है। तो अलग अलग हर्ट सिस्टम है, लाइक पीसीज में दो, एम्फीबियंस में तीन, रेप्टाइल्स में तीन, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, एव्स और मैमल्स में चार। फिजिक्स की प्लेलिस्ट आज अपडेट कर देंगे भाई, पुराने दो तीन क्लास के नोट्स जो पेंडिंग है वो डाल देंगे। एव्स के पास वही विंग्स वगैरह होते हैं। देखो भाई कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जान ले। देखो तो भाई जैसे आपका हमने बात की कि एग दे गए लिविंग वंस को, तो एक होता है भाई ओविपोरस, ओविपोरस होता है विच
और वीवी पोरस ठीक है। तो मैमल्स जो हैं वो तुम्हारे वीवीपोरस होते हैं, लेकिन जो प्लेटिपस है तो यहाँ पे भाई देखो, तो वीवी पोरस के एग्जाम्पल्स क्या, ओवी पोरस का हमने देखा ही था, जो डायरेक्ट लिविंग वंस को, तो ओवी पोरस नहीं है। ये है ओविपोरस, तो एग्जाम्पल मैमल से इसका है प्लेटिपस। ठीक है, तो प्लेटिपस जो है ये आपका क्या है, अंडे देता है। ठीक है, उसके अलावा भाई डॉल्फिन जो है वो देखो, मैमल में क्या क्या आती है, कौन सी आपको लगता है फिशेज हैं, पर डॉल्फिन डॉल्फिन हो गई, वेल हो गई, पोरपोइज हो गई। डॉल्फिन, वेल, पोरपोइज, ये सब क्या है, मैमल। बताओ भाई, देखो हमने क्या क्या बात की, एक बार देख लो। हमने पहले ओवी पोरस वीवी पोरस की बात की। ओवी पोरस जो एग देते हैं, ओवम देते हैं, ओवा। ठीक है, तो यहाँ पे उससे याद रख सकते हो, वीवी पोरस जो सीधा लाइव वंस को बर्थ देते हैं। तो मैमल्स जो हैं, मैमल्स आर वीवी पोरस। डॉल्फिन, वेल, पोरपोइज आर तो भाई डॉल्फिन, वेल, पोरपोइज ये क्या है, ठीक है भाई, क्लियर है मामला। एक बार बताओ यहां तक।
एक सेकंड भाई, शायद गेट पे कोई है। कुछ नहीं था, महज इंट्यूशन था। भाई बहुत ऊपर जाना पड़ता है यहाँ तो गेट के लिए। पहले ये खोलो क्लास, अगली फिर स्टेयर से जाओ ऊपर पूरा। ओह माय गॉड, ऐसा तुम्हें भी आ रही थी क्या आवाज? तुम्हें भी आई थी आवाज? यहां तो ऐसा है भाई, कोई बजा के अगर चला जाए तो आदमी दिन के टाइम तो कुछ ना, और रात को तो ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा ही नहीं इंसान। इग्नोर करेगा, इग्नोर करेगा। ठीक है भाई, टैक्सोनॉमी से एक बार कोई डाउट हो बता दो, फिर मैं एक बार आज की क्लास का रिकैप करवा दूंगा। ठीक है, तब तक भाई अगर किसी को एक जगह सारे सब्जेक्ट चाहिए तो वन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकता है। ठीक है, वहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करके आप देख सकते हो कौन कौन से बैचेस, टीचर्स, क्या क्या क्लासेस, कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसमें आपको नोट्स, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, और आइकॉनिक जिसमें सारे बेनिफिट्स प्लस के। उसके अलावा प्रायोरिटी मिलेगी क्लास में, डाउट में, और फिजिकल नोट्स मिलेंगे घर पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप गेट सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, प्लस या आइकॉनिक। उसके बाद कितने टाइम का लेना है, तो यहाँ पे जैसे 16,000 का मिल रहा है तो आप LWS 10 लगा दो, और यहाँ पे आप 10% का डिस्काउंट लेके 14,400 में भी ले सकते हो। अभी लास्ट ऑफर था आपका जिसमें आपको डिस्काउंट 20% मिल रहा था, एक्स्ट्रा में मिल रहा था, तो अब जो है आपको इसी उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी बूस्टअप कर सकते हो। चलो भाई एक बार फटाफट से इसी बात पे लाइक और शेयर हो जाना चाहिए। तो अब भाई हम बात कर रहे हैं, एक बार रीकैप कर रहे हैं सारा। तो सबसे पहले हमने देखा आपका फाइलम पॉरीफेरा, उसके अंदर आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, नॉन मोटाइल थे। ठीक है, हार्ड कवरिंग थी आउटसाइड लेयर में स्केलेटन की फॉर्म में। एग्जाम्पल मैंने कहा था साइकन जो है वो आप याद रखो, पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है। कॉलनट्रेटा में कोई कॉलम नहीं होता, कैविटी नहीं होती, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मूव भी कर सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल याद रखना हाइड्रा और जेलीफिश, कॉरल्स, ये कॉलनट्रेटा का एग्जाम्पल है। उसके बाद प्लेटीहेलमिन्स में आपका प्लेनेरिया और लीवर फ्लू का आता है। ठीक है, इसमें आपके डिजीज कॉज, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पास एक ही ओपनिंग होती है इनकी, इंजेशन और डाइजेशन के लिए। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं इसे। उसके बाद भाई मोलस्का है, मोलस्का कोई अपेंडेजेस नहीं होते, सॉफ्ट बॉडीज होती है जनरली, हार्ड कवरिंग से कवर्ड रहती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल मस्कुलर फुट है फॉर मूवमेंट, शेल जहाँ है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलस्का का एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। उसके बाद भाई एनेलिडा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, कॉलम प्रेजेंट होता है, बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड, वाटर लैंड दोनों पे रहते हैं। ठीक है, तो भाई आपका अर्थवॉर्म इसका एग्जाम्पल है, अर्थवॉर्म एनेलिडा का एग्जाम्पल है।
उसके बाद आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है आपका, कॉलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड है, एक्सोस्केलेटन होती है काइटिन की, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं फुट फीट एंटीना एक्सेट्रा। तो यहाँ पे प्रॉन स्कॉर्पियो कॉकरोच हाउस फ्लाई स्पाइडर बटरफ्लाई ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एक्नियोडर्मेटा, तो एक्नियोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन होती है, नो नोटोकॉर्ड, कोई नोटोकॉर्ड नहीं होती, कॉलम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भाई वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है लोकोमोशन के लिए, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। एग्जाम्पल में स्टार फिश याद रख सकते हो एक्नियोडर्मेटा का। प्रोटोकॉर्डेटा मरीन एनिमल्स है, बायलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पे भाई आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो नेमाटोडा, नेमाटोडा बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। फैमिलियर एज पैरासाइट वॉर्म्स कॉजिंग डिजीजेस, वॉर्म्स कॉजिंग डिजीज कॉजिंग एलिफेंटियसिस, फिलेरियल वॉर्म्स जो होते हैं तो वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन राउंड मोम और पाइन। तो यहाँ पे फाइलम आपका नेमाटोडा, इसमें आपका वुचेरिया एस्केरिस ये सब आते हैं। नेक्स्ट है भाई फाइलम वर्टिब्रेटा, तो नोटोकॉर्ड इसमें वर्टिब्रल कॉलम में बनवा बन जाती है। 2, 3, 4 चैम्बर हर्ट होते हैं ऑर्गन्स लाइक किडनी फॉर एक्सक्रीशन, तो एयर अपेंडेजेस होती हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमंस आ गए, फ्रॉग फिशेस सब आ गए। ठीक है भाई, उसके बाद वर्टिब्रेटा क्लियर है। फिर वर्टिब्रेट्स की भी 5 फर्दर क्लासिफिकेशन है, पीसीज एम्फीबियंस रेप्टाइल सेल्स माउथ, उसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हर्ट के चैम्बर्स का। फिशेस के पास 2 चैम्बर हर्ट होता है, एम्फीबियंस के पास 3, रेप्टाइल्स के पास भी 3 एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, तो इसके पास 4 चैम्बर। एव्स और मैमल्स के पास भी 4 चैम्बर हर्ट होता है। उसके बाद ओविपोरस जो अंडे लेकर है यानी प्लेटिपस वगैरह, विविपोरस जो लाइव वंस को बर्थ दे। विविपोरस जो सीधा लाइव वंस को बर्थ दे। ठीक है, क्लियर है, टैक्सोनॉमी खत्म करें। चलो भाई ठीक है, फिर केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं 8 बजे। एक बार फटाफट से इसको लाइक और शेयर के केमिस्ट्री क्लास में आ जाओ, ठीक है। केमिस्ट्री में हम आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में सोप एंड डिटर्जेंट किया था, आज की क्लास में हम पेंट मैच स्टिक ऐसे चीज़ों पे क्वेश्चन करेंगे। टाइटल आपको दिख जाएगा, मतलब ऐसे कंसेप्ट पे क्लास रहेगी आपकी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करना, उसमें ज़रूर आना है, ठीक है, क्योंकि स्कोरिंग है, वहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते। चलो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।